बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। जल जमाव और जल निकासी की समस्या से जूझ रहे नगरवासी, तेगरा अनुमंडलीय बाजार से नगर परिषद के दर्जनों वार्ड तथा कई गांव जोड़ने वाली मुख्य मार्ग राइन उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेगरा से तैलिक समाज भवन के आगे तक वार्ड संख्या 9 एवं 13 का ज्यादा क्षेत्र तथा वार्ड संख्या 16 के आंशिक भाग का जो जल जमाव का केंद्र बिंदु है, जिससे इस क्षेत्र के अलावे सैकड़ों लोग जल जमाव व जल निकासी की समस्याओं से जूझ रही है। यहाँ का आलम यह है कि बरसात तथा घर और नालों का गंदा पानी साल के अधिकतर माह तक सड़क पर जमा रहता है, जिससे इस क्षेत्र के पूरे इलाके के लोग संक्रमण रोग के फैलने की आशंका से आशंकित रहते हैं। इसके अलावा इस मार्ग से मधुरापुर, बाजलपुर, अयोध्या, कोलवारा, बीनलपुर सहित पूरे इलाके के लोगों के लिए बाजार आने जाने का मुख्य मार्ग है। इसके बाजार से आने जाने वाले लोगों के लिए परेशानी का सब बना हुआ है। स्थानीय पप्पू बाबा एवं दिनेश ठाकुर ने बताया कि सबसे अधिक प्रभावित राइन उर्दू मध्य विद्यालय के छात्र छात्राएं हैं। यहाँ विद्यालय तक जल जमाव होने से बच्चों को रोज फजीहत झेलनी पड़ती है। अब तक कई बच्चे गंदे पानी में गिरकर अपने बस्ते और कपड़े को गीला कर चुके हैं। खासकर इस रास्ते से महिलाओं और बच्चों को कैसे गुजरना पड़ता है, इसकी कल्पना किया जा सकता है। यही कमोबेश स्थिति वार्ड संख्या 8 का है, जो मियां जी टोला और स्वर्णकार टोला के लोग भी जल जमाव की जिंदगी जीने को विवश हैं। कांग्रेस भवन से बाजार को जोड़ने वाली यह मार्ग घुटने भर पानी से डूब जाता है, जिससे वार्ड वासियों को भारी फजीहत होती है। लोग चप्पल जूता हाथ में लेकर घुटने तक कपड़ा उठाकर इस रास्ते से गुजरने को मजबूर होते हैं। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। घनी आबादी वाला इधर मोहल्ला है, गांव है, और इससे कितना आदमी डेली आवागमन कर रहे हैं। उसके बाद जिनको यहाँ से जाना होना पड़ता है, बाहरी आदमी को बहुत घबरा जाते हैं, घूर जाते हैं बाजार से। काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ का प्रशासन और जनप्रतिनिधि को इन पर कोई ध्यान नहीं है, इसका कोई समाधान नहीं निकाल रहे हैं। ये इनका समस्या का समाधान निकले। नाम बताइए। दिनेश ठाकुर है, घर इसी वार्ड में पड़ता है। बहुत विद्यालय है, लेकिन बच्चा का समस्या है, जो बच्चा को जाने में बहुत कठिनाई होती है। एक ने दो विद्यालय है, एक रैन मकतब है मध्य विद्यालय, और दूसरा जो है प्राइवेट स्कूल है सेंट ग्रीनवुड है, लेकिन बच्चे नहीं जा पाते हैं। बरसात में पानी में अगर बच्चे जाते हैं तो गिर जाते हैं, इनका किताब कॉपी सभी भीग जाता है, बहुत परेशानी होती है। और इस पर कई बार मुख्य पार्षद और कार्यपालक वार्डर से कई बार कह चुके हैं, लिखित दिए हैं, इस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। हाँ, आरियो की भी स्कूटी को इस बात को कहा गया था, नापी करके भी ले गए, लेकिन इस पर कोई आज तक सुनवाई नहीं हुआ है। और तीन वार्डर इस क्षेत्र में आते हैं, तीन का तीन मोहने है, जो पहले 8 था अब 9 हो गया है, जो पहले 11 था अब 13 हो गया है, और जो पहले 15 था वह 16 हो गया है। तीन वार्डर इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन इस पर कोई मैंने कोई ध्यान नहीं देते हैं। सब अपने अपने चुनाव में अपने अपने मग्न रहते हैं। मेरा नाम तो ऐसे राजकिशोर मिश्रा है, पप्पू बाबा के नाम से लोग जानते हैं, और इसी वार्ड में जो पहले 11 था अब 13 वार्ड में मेरा घर पड़ता है। और ये बजलपुरा की मुख्य मार्ग है, जो लोग बजलपुरा से होके मार्केट तक बाज़ार तक जाते हैं।